भारतीय जनता पार्टी के रियासत जम्मू कश्मीर के और पूरे मुल्क की अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका बड़ा मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत यकीन किया है और अहम जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली है। ये एक जिम्मेवारी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसको निभाने की कोशिश करूंगा, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम जो है ये खुशहाली के उस मंजर की ओर जाए जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर जाना जाता था, जिसके लिए जंग आज़ादी के दौर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे को रोशनी की किरण नजर आई है तो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नजर आई है। वो रोशनी की किरण दोबारा से इस रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी मजबूती के साथ बुलंद होकर वो सबको जगमग करे, ऐसी मेरी कोशिश है। रैना जी, जो सीज फायर को लेकर पीडीपी ने स्टैंड लिया था उसको लेकर भाजपा का क्या कहना है? थाना मामले में सीबीआई जांच हो, क्या आप भी क्या बीजेपी का भी ये स्टैंड? देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैंने लॉ किया है, मसला जेरे कोर्ट है और जब कोई भी मामला कोर्ट में होता है उस पर कोई भी टिप्पणी करना जो है वो कोर्ट की तोहीन होती है। और हमारे मुल्क की जुडिशरी इस मुल्क की सबसे पावरफुल ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशरी में आती है। और ये वो मुल्क है, अगर मुल्क का किसी माजी में किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलती की होगी उसको भी जज के कचहरी के सामने खड़ा होना पड़ा है। हमें अपने मुल्क की जो है जुडिशरी है उस पर पूरा यकीन है और यहाँ सच की हमेशा जीत होगी, न्याय की और सच्चाई की जीत होगी और पाप हमेशा जो है उसने इस मुल्क पर, इस सरजमी पर पाप की हमेशा हार हुई है। ये गौतम गांधी और नानक का मुल्क है, यहाँ सच ही फैलता है, यहाँ सूफीज्म को लोगों ने माना है, यहाँ सच की जीत होती है। देखिए, अभी तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है, मैं पहली बार पार्टी का सदर बनने के बाद सीधा दिल्ली से यहाँ आया हूँ और मैं पहले अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हूँगा और आराम से बैठ के पार्टी का जितना भी पॉलिसी मैटर है वो रहेगा, मिलजुल कर रहेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे रियासत जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, हर वो काम करेंगे जिससे रियासत जम्मू कश्मीर मजबूत हो, जिसमें अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, यकजहती आए और एक वो हमारा मजबूत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसकी हमारी हमें पहचान है और जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिसकी पहचान है, जिसकी कदर है, हम उन मूल्यों को, उन वैल्यूज को, उन इथॉस को, उन डेमोक्रेटिक सेटअप्स को और मजबूत करेंगे और उसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। देखिए, बातचीत डेमो, हिंदुस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे मुल्क ने हमेशा डायलॉग में यकीन रखा है। आप लोगों को याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए थे, लेकिन क्या हुआ था? पाकिस्तान ने करगिल के अंदर जंग किया, वाजपेयी जी वापस आ गए, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर बन गए, आर्मी चीफ बन गए। वाजपेयी साहब ने उनको आगरा में बुलाया था, देश के पार्लियामेंट पर हमला हो गया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, सीधा उन्होंने नवाब शरीफ को भी दिल्ली बुलाया और वो आए और उसके बाद उनके एक दिन काबुल से आते आते लाहौर उतर गए और उनके किसी रिश्तेदार के वहां शादी में गए। हमारे मुल्क के अंदर जो भी सरकारें रही हमेशा डायलॉग का, बातचीत की हिमायती रही और हमने की, दुनिया को दिखाया। वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए थे, हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान जाता है बस में बैठकर, ये पैगाम इंसानियत का हमेशा हिंदुस्तान ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खलिश डालने की हमेशा कोशिश की गई और उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। हमारे मुल्क, हमारा मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। देखिए, इल्जाम, ये इल्जाम की बात नहीं है, ये बात ये है कि जियो और जीने दो, आप अपने घर को भी ठीक रखो और दूसरे घर को बर्बाद मत करो। ये जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोली आई है, इस गोली ने हमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत बर्बाद किया है, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारी माताओं बहनों को। कोई कहीं भी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में और खासकर हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी का कोई खून निकलेगा तो किसी को दूसरे को खुशी नहीं होती है। यह हमारा एक घर है,
पूरा हिंदुस्तान हमारा, ये जो मुल्क है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, और फैमिली के सभी मेंबर खुशहाल रहें, मजबूत रहें, एकजुट रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और हमेशा हंसते खिलते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करें, ये परिवार के सब मेंबर्स की चाहत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज यहां हमारे वर्कर्स का प्रोग्राम है, एक एक्सक्लूसिव मीडिया इंटरेक्शन हम करेंगे, अभी मैं इधर ही हूं और आप भाइयों के साथ एक घंटा दो घंटे आराम से बैठेंगे। हम अमन शांति भाईचारा चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे हमारे बेगुनाह लोगों का कत्ल होता रहे। हमने ये कहा हम अमन भाईचारा, प्यार मोहब्बत, यकजहती, इंसानियत, वो वाजपेयी साहब का एजेंडा, लेकिन हम वो चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रियासत के बाशिंदों को कोई खून खराबा करे, उनका कोई कत्ल करे, ये हमको मंजूर सीज़फ़ायर होना चाहिए या नहीं।